हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आप सब लोगों को थोड़ा परेशानी हो रही होगी आज। एक परेशानी तो नहीं है, इन द सेंस एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगा, फियर ऑफ फेल्योर होगा। ये दो तीन चीजें रहते हैं और ये हर किसी के साथ होता है। तो इस पे ना कोई नई चीज ऐसा हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सबको होता है एग्जाम के समय। तो आप किन लोगों में से अलग नहीं हो, आप उन्हीं में से हो, सब में से हो। जो टॉपर्स हैं वो भी वही करते हैं, जो अच्छे रैंक लाते हैं वो भी वही करते हैं। बस यही नॉर्मल सबके साथ होता है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना। और एक बात बताऊं, जब लाइफ में आपको फील हो ना क्या होने वाला है, जस्ट थिंक, आपने शुरू क्यों किया था, आपको पढ़ने के लिए क्या चीज मोटिवेट किया था, आप क्यों पढ़ना चाह रहे थे। एंड एक बढ़िया चीज जो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, जस्ट थिंक, आप रिजल्ट बता रहे हो आपके टीचर्स को, जिन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने बहुत हेल्प किया है। तो मैं भी सोचता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बताते होंगे, मेरे को बहुत एक्साइट फील होता है, उनको भी आई थिंक सेम फील होता होगा, क्योंकि हमने जिनके पीछे बहुत मेहनत किया है, तो हमें भी एज ए टीचर लगता है कि जब उनका रिजल्ट आए ना, वो खुशी कुछ अलग ही होगी। तो आप लोग भी ऐसे सोचो, आपकी जो सक्सेस है आप किनको डेडिकेट करना चाहते हो, जिनको खुश देखना चाहते हो, जस्ट थिंक अबाउट हिम, जो भी है वो, ठीक है। आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, तो ये चीजें आप जस्ट इमेजिन करो और ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी। एंड सेकेंड थिंग, मेंटल प्रिपरेशन की बात मैं हमेशा करता हूँ। आज एक बात बोलूंगा, जब एग्जामिनेशन के 2 घंटे के बारे में आप अभी से काम करना, आप वहां पे बैठे हो, राउंड के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये मतलब जो चीजों को ना पहले आप इमेजिन करो कि आप कर रहे हो, यू जस्ट थिंक लाइक दैट। मतलब थोड़ा विजुअलाइजेशन की जरूरत है, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो शायद से वो कर ही लोगे। तो यू शुड विजुअलाइज द थिंग दैट यू आर गेटिंग सम सक्सेस लाइक दिस, ओके। आज कुछ चीजें ऐसे बातें करेंगे जो एग्जाम के समय कुछ हैक्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको हेल्प कर लेगा, शायद से 2 4 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लोगे, एक भी चीज है। और थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन और क्या कर सकते हैं वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं नाइट बिफोर एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आप सबको पता है, सोना चाहिए अच्छे से। तो सोना कैसे है, नींद तो नहीं आती, जो जो जल्दी सो जाते हैं उनके लिए चलो ठीक है, जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो लेट सोते हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, मेरे को तो नींद नहीं आती थी, इनफैक्ट अभी मैं लेट सोता हूँ। तो क्या कर सकते हो, एक आइडिया देता हूँ, आप ना खाना 2 बजे 6 बजे बाद कुछ मत पढ़ना, मोबाइल दूर कर देना भाई, मोबाइल रहेगा तो नींद आएगी नहीं। 8 बजे बाद कोई मोबाइल नहीं पकड़ेगा, 6 बजे बाद कोई बुक नहीं पकड़ेगा, ये प्रॉमिस कर लो, नींद आएगी जबरदस्त आएगी, ठीक है। और शाम को आधा घंटा रनिंग करो, आज ध्यान रखना शाम को आधा घंटा रनिंग करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई मतलब बाहर चले जाओ फिसल जाओ, ऐसा कुछ ना हो, थोड़ा सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए ये करना है। तो थोड़ा फिजिकल एग्जेशन आपको हो, मेंटली तो आप एग्जस्टेड हो गए ही होंगे, और फिजिकल एग्जेशन की जरूरत है नींद आने के लिए। अच्छा थोड़ा उस पे फोकस करना आज, जो आपको पसंद है वो खाना खाओ, पर ये ध्यान रखना खाना हेल्दी होना चाहिए, खाने की वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल की मेहनत सिंपल एक डिनर के लिए खराब कर दो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। पर खाना अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको मजा आए, एक डोपामाइन फील आता है कि चलो ये खाना मेरे लिए अच्छा है, जो कंफर्ट फूड है हमारा वो खाओ, ठीक है। और जो लोग रात में लेट सोते हो, जैसे कि मैं भी बोल रहा था, अपना एग्जाम्पल दे रहा था, तो आप एक काम करना, मान लो आप 2 बजे सोते हो, आज क्या करना 11:30 पे सोने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे से सोने की कोशिश कर रहे हो, होगा ही नहीं, वो 11:30 से सो जाओगे तब भी आप 7 घंटे की नींद आराम से पूरा कर लोगे, ठीक है। मोबाइल नहीं पकड़ोगे, खाना सही होगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज होगी तो नींद आ ही जाएगी, क्योंकि ये जो नींद है आपके नेक्स्ट एग्जाम का दिन कैसा रहेगा ये डिसाइड करने वाले हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर शेयर करूं कि मेरे को नींद नहीं आई थी, यानी सच है, क्योंकि मेरे को उतना मेंटल प्रिपरेशन के बारे में शायद से उस समय पता नहीं था, और मैं सोच रहा था कि पढ़ाई करना ही सब कुछ है, ना मैं योगा किया ना ऐसा कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया था, सच बता रहा हूँ। पर मेरे को ना जब मैंने पीएससी का एग्जाम अभी दिया, मैंने इस चीज़ पे फोकस किया कि चलो AIPGDT था, ऐसा था, चलो हो भी गया, पीएससी अब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरे को ये सब चीजें फॉलो करना है, जो मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की थी। तो मैं ये बातें ना जो आपको जो भी बोल रहा हूँ अपनी गलतियों से सीख के बोल रहा हूँ, नहीं तो बाकी किसी की गलती देख के बोल रहा हूँ,
तो आप खुद हो गलती करो, उससे कुछ फायदा नहीं है, बस सीख जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। नींद मान लो खुदा ना खास्ता अच्छा खो गया, 6-7 घंटा आप सो, बस तब मान लो आपने आधा लड़ाई जीत ली। ठीक है, और बात आती है एग्जाम सेंटर के, आप 1-1.5 घंटा पहले पहुंच ही जाओगे, वहां क्या करना? बच्चे जाते हैं, अरे ये तो मेरे पुराने सीनियर्स थे, इनसे बात कर लूं। नहीं करना है भाई, वो पुराने सीनियर अपने जगह है, ठीक है, ये मेरे बैचमेट थे, दूर के रिश्तेदार है, ये पुराने दोस्त है, इन सब से कोई मतलब ताल्लुकात आपका है नहीं। आप जाओगे अपने में ही कंसंट्रेट करना, फोकस ऑन ओनली योर सेल्फ, बैठो, और इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई के बारे में ना सोचो। पर सोच, सब हमेशा लोग सजेस्ट करते हैं भाई एग्जाम जाओ ना कुछ ना सोचो, इज इट रियली पॉसिबल कि आप ब्लैंक माइंड हो जाओ? मैं तो नहीं हो सकता, मैं भी इंसान हूं, तो कभी भी आप लैक ऑफ थॉट्स हो ही नहीं सकते, आपके माइंड में कुछ ना कुछ सोच थॉट्स रहेंगे ही रहेंगे, तो उसको टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो ये चीज मैंने अपना पीएससी एग्जाम के जस्ट उस पे भी, हमें वेट करना होता था बैठ के, तो मैंने ये चीज इम्प्लीमेंट किया था, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो सिंपल बात है, अगर आप वहां बैठते हो और ये सोचते हो कि मैं पढ़ाई किया, ये जो चौपट मतलब मैंने ये चीज मिस कर दिया है, और ये इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ज्यादा परेशान हो जाओगे। 5 साल की सिलेबस है, जरूरी है क्या ये जो 120 क्वेश्चन है वो आपके उसी में से आ जाएंगे? नहीं है ना भाई। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, आप उस समय सिर्फ खुद से ही बात करना, सिर्फ और सिर्फ खुद से बात करना, और क्या बात करना, मैं अच्छा हूँ, मैंने अपना तैयारी किया है, मैंने अपना बेस्ट किया है, मैंने अच्छा करने वाला हूँ, जस्ट काउंसिल योर सेल्फ। आप खुद से ये बातें करते रहो 1 घंटे तक, आप बोर नहीं होगे, आई कैन गारंटी यू, और आप में ऐसे एक अलग प्रकार की एनर्जी आएगी, आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपके अंदर की जो शक्ति है उसको जगाओ, आप कर सकते हो ये समझो, बस वहां और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो वो आप हो, किसी पे भी फोकस नहीं करनी है हमें, हमें अपनी लड़ाई है खुद लड़नी है, ना किसी का सहारा लेना है, ना किसी को भाई दोस्त तू ये बता दे मुझे, मैं तुझे बता देता हूँ, ये काम नहीं करने है, गलत बताते हैं, गलत होते हैं ये, अपने दम पे अगर राजा बनना है तो बनो, किसी और के दम पे मतलब अपने दम पे भिखारी भी बन सकते हो तो भी चल जाएगा, किसी और के दम पे राजा बनने की कोशिश ना करो, जिंदगी में अपना प्राउड लेना है कि भाई चलो ये चीज मैंने खुद से की है, ठीक है, और ईमानदारी सच्चाई की अलग वैल्यू होती है, अगर आप कोई चीज के लिए ईमानदार हो, आई कैन गारंटी यू 2-4 गेस अच्छे लगेंगे, जब सोच भी नहीं सकते आपने टिक भी किया होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखना, भगवान पे भरोसा रखना, अपने मेहनत पे भरोसा, अगर आपके टीचर ने बोला आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मीन्स हो ही जाएगा, इस पर नहीं संदेह करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले खुद से बातें करनी, बस ये ध्यान रखना, किसी और से नहीं, किसी बारे में नहीं, पढ़ाई के बारे में नहीं, बस ये चीजें बोलनी है कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ, बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, उस समय आपके मोरल्स हाई रहना चाहिए, और आपके कॉन्फिडेंस को देख के दूसरे परेशान हो जाने चाहिए, मतलब परेशान किसी को करना नहीं है, पर आप में कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ना भाई, चलो मैं तो कर रहा हूँ, यहाँ जो आता है मुझे आता है, बाकी यहाँ पे कोई 30 मार खान बैठा नहीं है, बस ये सोच के चलना। अगर आपने 1 साल अच्छा मेहनत किया है ना भाई, ये सोचो, सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए अपने के लिए, खुद के लिए तो पहले प्राउड बनो, मैं ये नहीं बोला ओवर कॉन्फिडेंट बनो, पर खुद के लिए एक प्राइड रहना चाहिए, ठीक है, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ओके, अब बात आती है 2 घंटे की मैनेजमेंट, मैंने तो बोल दिया कि 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत सारे ज्ञान तो मैंने दे ही दिया है। अब 2 घंटे में क्या करना है, इस 2 घंटे में आपके फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत ही क्रुशियल है, क्यों? उस समय रहता है हाई एड्रेनलिन रश, बहुत दिन बाद आप एग्जाम दे रहे हो, वो भी इतने लोगों के सामने, एक रहता है कि अरे यार एग्जाम है, ठीक है, उस समय आप फर्स्ट की जो 30 मिनट्स उसमें क्या करते हो, अपना फर्स्ट राउंड क्वेश्चन करते हो, और फर्स्ट राउंड क्वेश्चन आपको पता है इजी भी है, और आपको सिलेक्शन वही क्वेश्चन दिलाते हैं, राइट, तो फर्स्ट राउंड की क्वेश्चन वो है जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं, तो इसमें कभी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, हर 10 मिनट में अपने आपको एक ही क्वेश्चन पूछना, क्या मैं वेल ओरिएंटेड हूँ,
जहां मैं हूं मेरा मन वहां है, क्या मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या मैं ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा हूँ, क्या मेरा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, खुद को वहां पे आपको संभालनी है। बीच बीच में थोड़ा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, दिमाग फोकस रखना है, किसी और पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये बिल्कुल करना है। और मैं अभी ना आपको कुछ हैक्स बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लो चलो इसके बारे में डिस्कशन ओपनली कर ही लेते हैं, ऐसा सब रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली मैं इन सबको प्रमोट नहीं करता, पर मान लो आप फंस गए हो तो क्या कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली मैंने ये चीज नोट किया है, जो आसान रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर हमें, अब देख लेना, अगर 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो 6 के आंसर होंगे कि 5 के आंसर ये होंगे, बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये पता चल जा रहा है दोनों करेक्ट है, 70% टाइम उस चीज का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। और ये आपके बेसिक्स को देखता है, मतलब अगर आपने आपका बेसिक्स सही है, आसान रीजनिंग आप कर सकते हो, तो इसलिए अगर बोलता हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन लगा के आ जाना है। सेकेंड, गो फॉर योर इंस्टिंक्ट, फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो बोलता है ना वो ही करेक्ट है, दोबारा चेंज मत करना। अगर आपको कंफ्यूजन भी लगे, फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे टिक करना, ठीक है। तीसरी बात, सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है मैच द कलम्स, पर सबसे मार्क पिचिंग क्वेश्चन भी वही है, जो मैंने 3 4 साल के पैटर्न में एक चीज नोटिस किया है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में वो लोग सही से ऑप्शन तक नहीं डालते। अगर आपको चारों में से दो चीजें भी पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, पर यहाँ पे क्या कसर रखना, मतलब क्वेश्चन रखना है कि आपको जो आप टिक कर रहे हो ना, बी की जगह डी ना हो जाए, जो कलम मैचिंग हो रहा हो सही से मैच हो रहा हो, ठीक है। इसके लिए खुद ऑप्शंस देखो और अपने हिसाब से पहले अपना बना लो कि बी 1 1 नंबर के साथ रिलेटेड है, ए 4 नंबर से रिलेटेड है, इसे करके आप अपने रफ नोट में लिख लो, रफ के देख के आप फिर से ऑप्शंस में जाओ और देखो, क्योंकि ये आप गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होते हैं। और मैंने पर्सनली, मैं बता रहा हूँ, मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे गलत किए थे इसी मेंटल प्रिपरेशन की कमी के चक्कर में। रैंक अच्छा आ गया, ठीक है, पर मेरे को ना उस बात का कभी कभी सोचता हूँ ना, एक मन में मलाल सा रहता है, अरे यार ये मैं गलत कर ही नहीं सकता था, ठीक वो वाला क्वेश्चन सर, तो ये गलत नहीं करना। 3 चीजें समझ गए, एसन रीजनिंग क्या करना है और मैथ कलम्स क्या करना है, डन। अभी आता है वो क्वेश्चंस, मान लो आपको कोई चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब मीनिंग पता ही नहीं है, जरूर उसका इंग्लिश वर्सन देख लो, हिंदी कर रहे हो तो इंग्लिश वर्सन देख लो, इंग्लिश करो तो हिंदी वर्सन देख लो, क्या पता वहां पे आप कुछ ना कुछ क्लू मिल ही जाए, ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। और एक साइकोलॉजी बोलता है, अगर आप मान लो, देखो ये एक भेग बात है पर बता ही देता हूँ, मेरे को अपने टीचर्स वगैरह ने बताया था ये, कि अगर कहीं आप फंसते हो, मैक्सिमम आंसर बी और सी में होता है, कोई अगर क्वेश्चन पेपर सेट करता है फर्स्ट ऑप्शन में रखता नहीं नॉर्मली, अगर आपके डाउट डी और बी में है तो गो फॉर बी, ऐसे होता है, पर आप वहां पे मतलब अपने दिमाग से काम लेना, ठीक है, ये मैंने ही बोला, सर आपने बोला था बी लगाना है, मैं लगाया, फिर आंसर डी आ गया, ऐसा नहीं है, पर मैंने सुना था और बहुत जगह मैंने इसको देखा है कि यही हो जाता है, इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो, अगर कहीं भी ऐसे फंस गए हो, कुछ आता नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और एक बढ़िया बात, अगर एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन का आंसर, आप मान लो फर्स्ट 5 क्वेश्चन किया और आंसर आया ही नहीं, क्या करोगे। एक मजाक की बात बताऊं, मेरे को बोले थे ना, मेरे को एक दोस्त ने बोला कि तेरा लकी नंबर 7 है, तू 7 अटेम्प्ट करना पहले, तो मैंने कुछ देखा नहीं, पहले 7 अटेम्प्ट किया, आया नहीं भाई, आंसर नहीं आता था मुझे, फिर 17 किया वो भी नहीं आता था, 27 किया वो भी नहीं आता था, 37 वो भी नहीं आ रहा है, करूंगा क्या, दिमाग भाई। तो फिर मैंने देखा भाई ये सब झूठी बात है, मेरे को अपने दिमाग से काम लेना है, फिर मैं गया नंबर 1 क्वेश्चन उसको देखा, और अगर आप बहुत फील करते हो कि एंजाइटी आपका बढ़ गया, उस समय थोड़ा आपको आपको संभाल लो, फिर आंसर करो, आप कर लोगे, क्योंकि मैं एक बताऊं, मैं जब क्वेश्चन पेपर देखा, मेरा फर्स्ट टाइम भी था, तो मैं जब पेपर देखा, मेरे को 7 8 क्वेश्चन के आंसर पता थे, एक बार फर्स्ट 120 क्वेश्चन स्क्रोल कर रहा हूँ, अगर मेरे को 6 7 क्वेश्चन आएंगे क्या, इतना लेवल ऑफ एंजाइटी बढ़ गया था उस समय, पर मैंने उसको मैनेज कर लिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए थे, और अगर आपने मेहनत किया है ना, चीजें हो ही जाती है, आप मानो ना मानो हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखोगे इजी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पढ़ते आना, 120 क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, क्यों पढ़ लेना, क्योंकि आपका माइंड जो है ना उतने में लिमिटेड, मतलब कंसंट्रेटेड रह जाए, बाकी एक बार आपने 120 क्वेश्चन देख लिया ना, आपका माइंड एक्स्ट्रा डाटा को ओमिट कर देगा, एकदम बाहर निकाल के फेंक देगा, जो आपने
अलग अलग चीजें पढ़ रखा होगा, ये वो 50 चीजें सब भूल जाओगे, आप सिर्फ उन क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोच पाओगे फिर। तो एक बार में सारा क्वेश्चन देख लेना, एटलीस्ट ओवरलुक कर लेना, एक वाइज डिसीजन है। उसमें 5 मिनट लगेंगे, बस एक देख लो क्या क्या आया है, एक ओवरऑल आइडिया ले लो। सारे क्वेश्चन शायद से आप देख भी ना पाओ, पर एक बार देख लेना चाहिए, 5 मिनट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइंड उस पर बहुत हेल्प कर लेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आप वो चीज अंदर ही अंदर सोचते चले जाओगे। मतलब कोई क्वेश्चन बाद में भी है और आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन आया है, तो आपको उसको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है? तो ये चीज आप कर सकते हो। और मान लो एग्जाम में किसी का कंप्यूटर खराब हो गया, हम इंडिया में रहते हैं भाई, हो सकता है ये, और एक्सक्यूज नहीं दे सकते, 1 साल की मेहनत का ये एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता भाई, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ये कौन सा एक्सक्यूज है? आप बोलो अगर खराब है तो चेंज करा देंगे वो। और अगर आपको तुरंत जाके अपना सिस्टम चेक कर लेना है कि भाई ये है, मतलब कैसे क्या चीजें चल रहे हैं, नहीं चल रहा है, कीबोर्ड माउस सही चल रहे कि नहीं चल रहा है, ये देख लेना है। और एक ट्रिक बात है, मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं मार्क शीट में ज्यादा बिलीव नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मेरे को जो क्वेश्चन में डाउट है, मैं सीधा अपना जो रफ पे रफ नोट है उस पर लिखता हूँ। मेरे को 16 नंबर क्वेश्चन देखना है तो देख लूंगा, बात खत्म। 28 नंबर देखना है तो देख लूंगा, लिख के रखो ना भाई, देख लिया फिर हटा दो उसको, काम खत्म। मैन्युअली करो ज्यादा सही है, ठीक है? तो क्योंकि आप अगर ऐसे करोगे ना, आपको मन करेगा मैं सारे क्वेश्चन देख लूँ एक बार, क्या पता मैंने कुछ गलत कर लिया हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसको दोबारा जो सही किए हुए क्वेश्चन दोबारा देखोगे तो गलत करने का फिर से चांसेस है, आपका दिमाग क्या पता बदल जाए। तो जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है ये आपका बेस्ट इंस्टिंक्ट है, बस इसी पे फोकस रहना है, ठीक है? डन। लास्ट द मेंटर्स वर्ड, देखो अभी एग्जाम का समय है, सबसे इम्पोर्टेंट बात माइंड की शांति जरूरी है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, अभी तो आ रहे होंगे मुझे पता है, पहले ना उस चीज को एक बार मान लो, चलो ठीक है पूरा आने दो दिमाग में, ये आ रहा है वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो, ये है वर्स्ट पॉसिबल, क्या होगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, जिंदगी खत्म नहीं हो जा रही है, अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, अभी पीएससी भी निकल रहे हैं, हरियाणा वाला पीएससी है, सारे बच्चे भर सकते हैं, तो जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगे। तो अगर आप ये सोचते रहोगे ना ये मेरे जिंदगी का आखिरी चीज है, तो आप डर जाओगे भाई। सोचो ना कि ठीक है नहीं किया तो कुछ और कर लूंगा। मैं समझ रहा हूँ जो लोग ईमानदारी से तैयारी किए हो उनको ये बातें अजीब लग रहा होगा, पर डर भगाने के लिए बढ़िया तरकीब है, ठीक है? सच है बात, अगर आपके पास टैलेंट है, आप अगर ये नहीं होता, मान लो आपका दिमाग उस 2 घंटे में नहीं चला, तो नहीं चला भाई, और कुछ कर लेंगे और देखेंगे और क्या करना है, जिंदगी खत्म नहीं होती, तो डरना नहीं है बस, अगर ये सोच लोगे। और हाँ, जो मेहनत किए हो, जो पर्सनली मैं ये बात अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा मेहनत किया है मैं उसके मेहनत को पहचानता हूँ, और कोई सपोर्ट करे ना करे मैं खड़ा रहूंगा और मैं बोलूंगा कि मेरे स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ ठीक है, पर उसने मेहनत किया था। अगर आपने मेहनत किया है आप हार नहीं सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है? रिजल्ट वी डोंट नो क्या होने वाला है, भगवान की मर्जी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जो लोग पढ़ने बैठे हो ना बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता, इतना मत पढ़ना आज, ठीक है? सिंपल ये सोचना जो किस्मत में है वही होगा, उससे ज्यादा और कम किसी को मिलता ही नहीं है, ठीक है? तो पर्सनली मैं किस्मत में बिलीव नहीं करता था, पर हाँ कहीं कहीं आप मतलब आपकी किस्मत मायने रखता है, ठीक है? तो एक लक फैक्टर जरूर होता है, पॉजिटिविटी में बिलीव रखना, लोगों के आशीर्वाद बहुत काम आते हैं। मैंने इतने पेशेंट्स डील किए हैं, मुझे लगता है कि उनके कहीं ना कहीं आशीर्वाद मेरी जिंदगी में मिले हैं, मेरे जो लाइफ में अचीवमेंट्स हुए हैं तो उनमें उस चीज का भी कोई रोल है। तो आपने भी बहुत अच्छा काम किया होगा, सोचो ना आपको बहुत सारे आशीर्वाद आपके पीछे हैं, बहुत लोगों की मेंटल मतलब मन ही मन विश कर रहे हैं कि आपका अच्छा हो, ठीक है? तो बस काम रहना है आज, आज ये सोचो कि आप ही प्रभु हो, मतलब आपको सब आता है, जो करोगे आप करोगे, आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता है, ये सोचो। और अगर कुछ बुरा भी हो जाता है तो उसके लिए भी बैकअप है, अभी पीएससी आने वाला है, यूपी का पीएससी आएगा, अभी हरियाणा का पीएससी चल रहा है, एग्जाम होगा, तो जिंदगी खत्म कभी नहीं है। इसके बाद जॉब की मतलब नहीं हुआ तो जॉब कर लेना, गवर्नमेंट में आ रहा है उसकी तैयारी करा देंगे, तो ज्यादा कुछ ना सोचो तुम, ठीक है? और मुझे भरोसा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं जिनको जानता हूँ तो उनके बारे में बोल ही सकता हूँ, और जिनने पढ़ाई किया है एटलीस्ट उनका सिलेक्शन, क्योंकि आयुर्वेद किसी को निराश नहीं करता है, जो मेहनत करता है उसको यहाँ पे उसका फल मिल ही जाता है, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। और जो लोग अपने टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, कृपया करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे हम और चीजें अपडेट करते रहते हैं,
एंड जो अभी नया बैच है उसके भी हमने स्टार्ट कर लिया, अभी रेमो क्लासेस चल रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी को रिफर करना चाहिए आप अपने जूनियर्स को वगैरह को रिफर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट अगर हम कोई भी वीडियो बनाए सिलेक्शन के ऊपर बनाए, आप सबका सिलेक्शन हो जाए, मजा आया फिर, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कहाँ जाना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा सेट लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है? विश यू ऑल दी बेस्ट। और हाँ, ये बात मैं बोलना भूल गया, एग्जाम देने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये एग्जाम तो बिल्कुल गंदा गया है, कुछ नहीं होने वाला है, मुझे भी लगा था ना, तो यही होने वाला है, तो सोचना मत, वो रिजल्ट देखने के बाद पता चलता है। एग्जाम देने के बाद सब बोलते हैं मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ये नॉर्म। आप देख रहे हैं यूजी के एग्जाम के बाद सब बोलते हैं हाँ एग्जाम मस्त गया है, पर पीजी के या पीजी एग्जाम के बाद कोई ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आते हैं, आपको पता नहीं होता आंसर क्या है, तो घर जाके तुरंत सो जाना है, आप सोचो ही मत ज्यादा, किससे बात नहीं करना है, जब आंसर किया आएगा तब देखना, ठीक है? उससे पहले गूगल कर लो, ये कर लो करके परेशान रहोगे। जब मैं भी देखूंगा आंसर वगैरह आ जाए तो हम बात कर लेंगे क्या क्या क्वेश्चन आया था करके, ग्रुप में आप बताते रहना, हम देखेंगे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है? आप ज्यादा परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, डोंट फॉरगेट दिस। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।